आज हम लोग पोजाब लॉन्चर के लेटेस्ट वर्जन पे रिप्ले मोड को यूज करने वाले हैं विदाउट ग्लिच के। तो कैसे करेंगे, कैसे तुम लोगों को करना है और इंस्टॉल कैसे करना है वो भी बताने वाला हूँ, और रिप्ले मोड के कुछ खुफिया फीचर्स भी बताने वाला हूँ जो कि तुम लोगों को शायद ही पता होगा। और मैं ये पहले ही बता दूँ, ये हमारे पोजाब लॉन्चर के लेटेस्ट वर्जन पे वर्क करने वाला है। सो आज वीडियो पे बिना किसी या भाई वही सोच रहे वही तो यार अभी मैंने मोड पैक लगा लिया, साथ में रिप्ले मोड का कुछ मैंने मोड पैक बना के दिया था मेरे एक बंदे ने भाई, तो मैंने उसी मोड पैक को लगा के आ चुका हूँ। और मैं बताता हूँ ये लेटेस्ट वर्जन में जो वर्क करने वाला है हमारा 1.21 के अंदर, 1.21.1 के अंदर नहीं 1.21 के अंदर, ठीक है, मतलब लेटेस्ट वर्जन में आराम से रिप्ले मोड वर्क कर रहा है। और भाई कोई ग्लिच मुझे देखने को तो नहीं मिला। अगर कॉन्फ़िग सेटिंग्स की बात करें तो तुम इधर से भी कॉन्फ़िग सेटिंग एडिट कर सकते हो, लेकिन तुम लोग रिप्ले मोड के आइकन पर क्लिक करना। और मैंने पुराने कुछ रिप्लेस रिकॉर्ड किया था तो फटाफट से इसको डिलीट कर देते क्योंकि मुझे न्यू रिकॉर्ड करना है। सो इसलिए तो इधर कॉन्फ़िग का एक बटन मिलेगा, इसमें आना है। एंड इधर तुम्हें देखने को मिलेगा काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें जो ऑटो रिकॉर्डिंग को जो है ऑफ कर देना है, इसको ऑन रहेगा तो ऑफ कर देना है, ठीक है। फिर तुम्हें ये रहा रिकॉर्डिंग ऑन सर्वर, ठीक है, सर्वर वाले को तुम्हें ऑन रखना है, नहीं तो सर्वर तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे। इनेबल नोटिफिकेशन को भी तुम्हें ऑन ही रखना है, और रिकॉर्डिंग सिंगल प्लेयर इसका तो तुम्हें इनेबल करना ही है, तो नहीं तुम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाओगे यार रिप्ले को। फिर तुम्हें और एक ऑप्शन इधर देखने को मिले, जैसे कि फुल ब्राइट हो गया। फिर तुम लोग इधर नाइट विजन को सेट कर सकते हो इजीली, लेकिन मैं नॉर्मली रखता हूँ। नाइट विजन तुम लोग चाहो तो इधर से यूज़ कर सकते हो, तो मैं फटाफट से नॉर्मल कर देता हूँ, ठीक है। तो और क्या ही सेटिंग्स है, इसमें कुछ सेटिंग्स और है जो कि तुम्हें छेड़खानी नहीं करना है। ज़्यादातर चीज़ें अगर तुम छेड़खानी करोगे तुम्हारे साथ ही भाई स्कैम हो जाएगा। तो शो चैट्स को तुम्हें ऑफ कर देना, ठीक है। फिर तुम्हारा इतना ही सेटिंग है तो इतना ही कर देना, एंड ऑटो रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देना। तो यार अभी मैं अपने सिंगल प्लेयर वर्ल्ड के अंदर चल लेता हूँ फटाक से, एंड देखता हूँ क्या क्या फीचर्स है एंड कैसे हमें सीक्रेट सेटिंग्स करना है। तो यार अभी मैं वर्ल्ड के अंदर आ चुका हूँ, एंड अभी देखते यार मतलब देखते क्या, मैं फटाक से अपना रिप्ले रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मैंने अभी तक किया नहीं है। तो इधर मैं पहले मैं अलाउड चीज़ को ऑन कर लेता हूँ, डे कर लेता हूँ, डे में ज़्यादा सही लगता है ना देखने में रिप्ले वगैरह। तो मैंने अभी दिन कर लिया है, तो अभी मुझे ना अपना रिप्ले रिकॉर्ड करना है। सो मैंने अभी रिकॉर्डिंग के लिए लगाया नहीं, तो यार बैक बटन फटाक से दबाते हैं। एंड ये पोजाब लॉन्चर है, एंड मैं जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख सकते हो ऊपर नोटिफिकेशन दिख रहा होगा तुम्हें रिप्ले का, तो इधर एक नोटिफिकेशन दिख रहा है मेरे को, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है, होने देते हैं। मतलब मैं अपना एक अच्छा सा रिकॉर्डिंग ना रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद डायरेक्ट तुमसे मिलता हूँ, ठीक है। तो फटाक से खतरनाक मैं रिप्ले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्या यार खतरनाक क्या ही करूँगा, तो मैं सिंपल करके दिखा देता हूँ। तुम लोग अपने हिसाब से डेंजरस रिप्ले भी रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें दो फीचर्स बताने वाला हूँ जो कि रिप्ले मोड का कोई बताता नहीं उतना ज़्यादा, जो कि बहुत मतलब यूज़फुल फीचर है, जो कि तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें मजे ही मजे आ जाएंगे। तो यार मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। यार देखो मेरा रिप्ले रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मैं फटाक से सेव कर लेता हूँ। एंड अभी सेव तो कर लिया है, बस तुम्हें इस गेम को सेव एंड क्विट कर लेना है। तो मैं फटाक से यार गेम को सेव एंड क्विट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी सेव कर लिया अपना रिप्ले रिकॉर्ड वगैरह करके। तो यार सेव एंड क्विट करते उसके बाद तुम्हें क्या प्रोसेस करना है। सो इधर मेरा गेम सेव एंड क्विट हो रहा है, तो होने देता है, ठीक है। तो हमारा गेम सेव एंड क्विट हो चुका है, अंदर रिप्ले दिख रहा होगा सेव रिप्ले, तो इसको डन कर देना है। एंड रिप्ले वाला आइकन पे तुम्हें जो तुमने रिप्ले रिकॉर्ड किया होगा वो वाला रिप्ले तुम्हें देखने को मिल जाएगा, उसमें डबल टैप करोगे तो तुम्हारा रिप्ले ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यार मेरा रिप्ले ओपन हो चुका है, तुम इसको पी दबा के स्टॉप कर सकते हो और पी दबा के प्ले कर सकते हो, लेकिन तुम्हें चैट दबाना है। चैट दबाने के बाद तुम्हें एक माउस दिखेगा, टी दबाने के बाद चैट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो चैट ओपन करने के बाद तुम मतलब माउस से हिला सकते हो अपने हिसाब से, पूरा कंट्रोल ले सकते हो। तो इधर मैं क्या करता हूँ अपने हिसाब से जो पोजीशन वगैरह सेट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई एकदम सही पोजीशन में करेंगे तो ज़्यादा सही लगता है रिप्ले। और रिप्ले भाई बहुत ही ज़्यादा ईजी है, अगर तुम थोड़ा बहुत मतलब इसका बेसिक जान लिए तो रिप्ले मोड तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब सिंपल है यार रिप्ले मोड। बस थोड़े बहुत फीचर्स होते हैं जो कि तुम्हें पता नहीं होता, वही बताऊंगा मैं, कुछ खतरनाक फीचर्स भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यार मैंने पोजीशन तो सेट कर ली है, अभी इसको रिप्ले को मतलब कैच कैसे करें, मतलब रिप्ले रिकॉर्ड करते तो करते कैसे, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी है। बस तुम्हें चैट ओपन करना है, फिर तुम्हें एक माउस मिलेगा, उससे तुम्हें बस दो तुम्हें की मिलेगा, बस उन दोनों की पे दबा देना है एंड थोड़ा बहुत रिप्ले को प्ले कर लेना है, ठीक है। जैसे तुम रिप्ले को प्ले करोगे एंड इसमें थोड़ा सा तुम लोग अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना है, एंड ये जो कीज से ही सब कुछ जो कीज से ही होता है, अगर तुम लोग की को सही से सेटअप नहीं करोगे तो तुम्हारा जो रिप्ले रिकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिखने वाला है, ठीक है। तो यार मैं फटाक से यार थोड़ा बहुत स्लो मोशन में करने वाला हूँ, तो यार मुझे पहले इसमें आने दो, ठीक है। मैं इसमें आ चुका हूँ एंड इसको स्लो मोशन में कर लेता हूँ। स्लो मोशन में करने के बाद मैं कैरेक्टर को थोड़ा प्ले कर लेता हूँ। स्टॉप करने के बाद तुम्हें दो की फ्रेम ऐड कर देना, ठीक है। तो मैं दो की फ्रेम फटाक से इधर ऐड कर लेता हूँ, तो इसको थोड़ा स्क्रोल कर देता इधर, एंड इसके बाद दो की फ्रेम ऐड कर लेना है तुम लोगों को, ठीक है। मतलब रिप्ले रिकॉर्डिंग करना इजी है, मतलब थोड़ा थोड़ा गैप में तुम्हें की फ्रेम ऐड करना है एंड अपने कैमरा एंगल को जो चेंज कर देना है, ठीक है। तो मैं अपने कैमरा एंगल को चेंज कर रहा हूँ एंड इसके बाद चैट दबाना है। जैसे तुम चैट दबाओगे तुम्हारे सामने जो है इस माउस ओपन हो जाएगा, मैंने की कैमरा एंगल सेट कर लिया है।
सो अभी मैं थोड़ा कैरेक्टर को प्ले कर लेता हूँ। तो प्ले करने के बाद जैसे तुम्हारा कैरेक्टर जो प्ले हो जाए उसके बाद दो की फ्रेम्स ऐड कर देना है। तो मैंने दो की फ्रेम्स इधर ऐड कर दिए, ठीक है। इसके बाद तुम अपने हिसाब से और जो कैरेक्टर को प्ले करवा सकते हो, लेकिन तुम्हें मैं सीक्रेट फीचर्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारा अलग ही मजे आ जाए। पोजाब लॉन्चर में अलग ही फीचर आ जाएगा। तुम्हें पोजाब लॉन्चर में दो बटन ऐड कर लेना है, ठीक है। दो एक बटन ऐड कर लेता हूँ फटाक से। मैं दो बटन इसका डुप्लीकेट कर लिया। तो मुझे दो बटन ऐड करना है, एक में ऐड करना है जे और एक में एल। एल और जे बटन से होता क्या है, तुम्हारा कैमरा एंगल इधर से उधर हो जाता है, ठीक है। तो मैं फटाक से इन दोनों में ना एल और इसमें जे ऐड कर लेता हूँ फटाक से, ठीक है। इसके बाद इस कंट्रोल को सेव कर लेता हूँ। एंड इस कंट्रोल को सेव करने के बाद लीव एडिट। तो जे और एल से होता क्या है, देखो मैं अगर जे दबाता तो इधर स्क्रॉल होता है, अगर एल दबाता तो इधर स्क्रॉल होता है। मतलब देख सकते हो यार, ये फीचर जो है अपना सेंपा स्पाइडर वगैरह सब लोग यूज़ करते हैं, और ये कीबोर्ड माउस के अलावा भी तुम पोजाब लॉन्चर में नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। मुझे पहले लगता था कि ये फीचर पहले कीबोर्ड माउस में यूज़ होता। तो तुम्हें थोड़ा बहुत ना कैरेक्टर को प्ले कर लेना है, एंड उसके बाद तुम्हारा जो कैमरा एंगल है तुम्हें चेंज कर लेना है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा प्ले कर लिया है, एंड मैं कैमरा एंगल को थोड़ा इस साइड को स्क्रॉल कर देता हूँ। एंड स्क्रॉल करने के बाद मुझे दो की फ्रेम्स ऐड करना है, ठीक है। जैसे मैं दो की फ्रेम्स ऐड करूँगा मेरा जो ये कैमरा एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं तुम्हें प्ले करके दिखाऊँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना इसको की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। तो मुझे इसको प्ले करना है, लेकिन प्ले नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे से इसको जीरो पे लाना है, एंड इसमें तुम्हें एक क्रॉस ईयर दबाना है। जैसे तुम दबाओगे तुम्हारा रिप्ले जो इस साइड से स्टार्ट हो जाएगा। अभी तुम्हें इसको सेव कैसे करना है, मतलब रेंडर कैसे करना है पोजाब लॉन्चर के अंदर, वही मेन को प्रॉब्लम आता है। तो तुम्हें सेव में दबाना है, फिर रेंडर पर दबाना है। जैसे तुम रेंडर पर दबाओगे ये जो रिप्ले तुम्हारा रेंडर नहीं होगा, क्योंकि पोजाब लॉन्चर में रिप्ले रेंडर सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें बस प्ले बटन पर दबाना होगा। एक सेकंड यार, मैं थोड़ा ग्लिच हो चुका है, बैक बटन दबा लेता हूँ। एंड अभी अगर मैं बात करूँ तो प्ले कैसे करें इसको, मतलब रिकॉर्ड करें तो करें कैसे रिप्ले को, सबसे पहले तो मैं प्ले दबाने में दिखा देता हूँ थोड़ा प्रीव्यू कि मेरा रिकॉर्डिंग कैसा बना है। तो सब कुछ सही है, एकदम बढ़िया है। इधर मैं कोंटे में कर लेता हूँ एंड इसको प्ले कर लेता हूँ। ऐसे प्ले करके तुम रिकॉर्ड कर सकते हो स्क्रीन रिकॉर्ड। तो मैं इसको प्ले कर लेता हूँ। अगर तुम लोग बोलोगे कि इसको प्ले करने के बाद ये भद्दा से सेटिंग्स वेटिंग्स गिरा है, तो इसको हाइड कैसे करते हैं भाई, इसको हाइड करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसको हाइड करने के लिए तुम F1 बटन दबा सकते हो, अपने बटन को ऐड करके F1 जैसे दबाओगे तुम्हारे ये चीज़ हाइड हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हो रिप्ले बहुत बढ़िया ही बना है। एंड मैं तुम्हें ना F1 बटन दबा के फिर वो रिप्ले को गायब करके दिखा दूँ, ठीक है। तो मैं फटाक से रिप्ले बटन को प्ले करता हूँ, एंड प्ले करने के बाद F1 जैसे दबाओगे तुम लोगों को रिप्ले एकदम प्रोफेशनल तरीके से रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ये दो बटन तुम कोंटे में रख सकते हो, या फिर इसका ब्राइटनेस वगैरह तुम घटा सकते हो जिससे ये मतलब दिखे ना ये बटन। देख सकते हो गाइस रिप्ले जो गाइस बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो गया। मतलब इसको अगर तुम अपने हिसाब से अपना क्रिएटिविटी यूज़ करोगे तो तुम लोग खतरनाक से खतरनाक रिप्ले रिकॉर्डिंग अपने पोजाब लॉन्चर के अंदर आराम से कर सकते हो। तुम्हें कोई PC नहीं चाहिए रिप्ले रिकॉर्डिंग करने के लिए। अगर तुम इसको शेडर्स के साथ करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि शेडर्स के साथ कैसे रिप्ले को रेंडर करते हैं। अगर तुम्हें पोजाब लॉन्चर के अंदर रिप्ले रेंडरिंग सीखना है तुम लोग मेरे ओल्ड वीडियो वगैरह चेक कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें लेटेस्ट वीडियो चाहिए कि कैसे शेडर्स के साथ रिप्ले रेंडर करते हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन में, तो इस वीडियो में तुम्हें 1000 लाइक्स कंप्लीट करवाना है। अगर इस वीडियो में 1000 लाइक कंप्लीट हो जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्ले रेंडर करके दिखाऊंगा, वो भी लेटेस्ट वर्जन के अंदर, वो भी शेडर्स के साथ, समझ रहे हो यार। तो यार इसके लिए तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम लोग 10K के बहुत ही ज़्यादा ही क्लोज है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।